सर श्री द्वारा नया संदेश न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ प्यारे खोजियो आब कोशा है हर बॉडी में सेल्फ क्या चाहता है मनुष्य देह है तो वह क्या चाहेगा काक्रोच में क्या चाहेगा छिपकली में क्या चाहेगा क्या उतना ही मनुष्य देह में चाहेगा कि मेंढक की तरह मनुष्य जुबान बाहर निकाले और जो दिखे चिप्स <laughs> जो दिखे प्लेट में काजू नया प्रोडक्ट क्या आया है सिर्फ निगल लेना है तो मेंढक में तो जो भी मच्छर मक्खी जा रहे हैं उन्हें निगल लेना है इंसान में भी यही कर रहा है यानी सेल्फ की अवस्था क्या है वह पता चलती है वहाँ सेल्फ अज्ञान की अवस्था में अर्ध बेहोशी में जहाँ उसके अंदर बैठा हुआ है मैं स्त्री हूँ मैं नाक का काबिल हूँ मुझसे ये नहीं होता मुझे तो कंटाड़ आता है एक्स्ट्रा काम आ गया चिड़चिड़ होती है मुझसे नहीं होता ऐसा जीवन हो कि सब हाथ में मिले ये लो रिमोट और ये लो चिप्स बिंज वॉचिंग करो वॉच पार्टी करो <laughs> क्या सेल्फ ये चाहेगा वो जागृत होगा तो क्या चाहेगा जो चीजें बताई मेंढक की तरह वो तो अनेकों शरीरों में चल रहा है वही करके क्या हुआ सेल्फ के जागृत होने और न होने में क्या फर्क रहा जागृत होने के साथ क्या इच्छा होगी जब तक शरीर जिंदा है मगर ऐसा शरीर जिंदा है जो आईना है ये खुशी की बात है देखो मेंढक प्रजाति समाप्त भी हो जाए वर्ल्ड से बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई ना अभी वे जीव है ही नहीं तो मेंढक समाप्त हो गए तो सेल्फ के लिए क्या होने वाला है मगर मनुष्य जाति समाप्त हो गई तो क्या होगा इसलिए मनुष्य देह का महत्व और मनुष्य देह जो आईना बनी है आठ अरब लोगों में जो वाइज आईना बने सेल्फ के लिए उनका महत्व कितने भी साल जीने वाले वे पांच साल दस साल बीस साल चालीस साल अस्सी साल जो भी समय है वो कितना इंपॉर्टेंट समय है सेल्फ के लिए कोई मृत्यु नहीं है बरसात में कई मेंढक आते बाहर फिर समाप्त हो जाते अगली बारिश में नए मेंढक तो आप अपने एम एस वाई को कैसे देखते हो हाँ? क्या यह आईना बन सकता है क्या बन रहा है ध्यान में जब आप बैठते हो क्या रियलाइजेशन आती है कुछ पलों के लिए ही सही क्योंकि ये पल बहुत इम्पोर्टेंट है ये पल जुड़कर ही आत्म साक्षात्कार में स्टेबिलाइजेशन लाते हैं इन पलों को कैसे बढ़ाएं, इन पलों का कैसे आयोजन करें इन पलों के लिए कैसे संघ बनाएं, इन पलों के लिए अपनी वृत्तियों पर कैसे काम करें कैसे एम एस वाई को जैसे नहलाते हो वैसे वृत्तियों से मुक्ति का स्नान भी करवाएं, जो महत्वपूर्ण है वो दिख गया तो आपसे वो होने लगता है दिखाई नहीं तो फिर अपनी ही एक परेशानी अपनी ही एक कहानी अपनी ही कहानियों की उलझने और उसमें कुछ सुख मिल जाए और उस सुख में विघ्न आए तो चिड़चिड़ -चिड़ करें इससे ज़्यादा दिखता नहीं है हजारों इतनी परेशानियां हैं उसमें थोड़े बहुत सुख हैं उसमें भी विघ्न आ रहा है हद हो गई ये माया थोड़े थोड़े सुख देकर बनाए रखती है चुंगल में जागने से रोकती रहती है कहीं जाग न जाए खाली दुखी दिए तो <laughs> <laughs> खाली दुखी दिए तो आप जाग जाइए <laughs> तो बीच में सुख देना जरूरी है <laughs> तो उनके साथ ही लगाव में जीवन बीत जाएगा तो सेल्फ की ही माया है <laughs> इसलिए खेल को लीला कहा जाता है <laughs> सेल्फ की ही माया जो केवल दुखों में नहीं रखती है लगता ऐसे ही ना माया दुख देती है किस तरह देती है दुख सुख देकर हर इंसान को समझता ही नहीं है <laughs> हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है एक गाना है कितने लोगों ने सुना है हाथ उभर करे हा लोग हैं सुख की चाह ने कितना दुख दिलाया है सुख की चाह ने कितना दुख दिलाया है दुख से द्वेष ने कितना हमें तड़पाया है दुख से द्वेष करके कितने हम तड़पे हैं तो ये सब बातें आपका दर्शन बने स्वदर्शन बने केवल दुख से आप जाग जाओगे इसलिए सुख बीच में डाला जाता है और उसमें फिर विघ्न डाला जाता है तो इंसान क्या खोज कर रहा है विघ्न ना आए बस विघ्न ना आए इसका आयोजन करते रहता है <laughs> यहां से विघ्न आता है इसको कैसे रोके पैसे कम पड़े विघ्न आया तो पैसे कैसे ज़्यादा कमाएं रिश्तों में धोखा मिला विघ्न हुआ तो कैसे रिश्ते ढूंढे सही पर्सन पकड़े सही बंदा बंदी मिल गई तो अच्छा जीवन चलेगा कोशिश यही होती है, विघ्न ना हो मगर <laughs> जिसको भी पकड़ेंगे उसकी भी तो यही फिलॉसफी है <laughs> उसकी वही फ्लासॉफी तो ये चलते रहता है जब तक आपको ये खेल कैसे खेलना है समझ में नहीं आ जाता है पूरी तरीके से ये खेल समझ में आ गया ऐसे होता है कि दो गांव है एक पहाड़ के तल्ली में तलहट्टी में तो गाँव का नाम है एक स्वर्ग और एक गांव का नाम है निसर्ग निसर्ग गांव के लोग बीच बीच में स्वर्ग में जाते हैं स्वर्ग के लोग बीच बीच में निसर्ग में आते हैं जैसे होता है गांव में आते जाते रहते हैं लोग फिर देखा गया कि जब निसर्ग गांव के लोग स्वर्ग गांव में जाकर वापस आते हैं निसर्ग में तो वे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। थोड़े दुखी महसूस करते हैं थोड़े निराश होते हैं। सभी नहीं मगर मैक्सिमम लोगों के साथ ये होते हुए देखा गया और स्वर्ग गांव में रहने वाले लोग निसर्ग में रहकर आते हैं जब वापस तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ये क्या बात हुई तो आप सोचो क्या होता होगा ये एनोलॉजी क्या प्रतीक है सोच रहे हैं ना कुछ कुछ जवाब आ रहे होंगे आपने जो कहा स्वर्ग के लोग जब निसर्ग में जाते हैं तो खुश होते हैं क्योंकि शायद वहाँ पे सुख और दुख दोनों है <laughs> और निसर्ग के जब स्वर्ग में जाते हैं तो सिर्फ सुखी सुख होने के कारण आपने जैसा कहा तो शायद माया के चंगुल में फसल नहीं है या फंसते होंगे उसके कारण हाँ, उनको हाँ थोड़े चिड़चिड़े होते होंगे तो आप निसर्ग में रहते हो कि स्वर्ग में रहते हो <laughs> मैं स्वर्ग में हूँ सर <laughs> तो बीच बीच में निसर्ग में जाना चाहिए हाँ, ऐसा कहें या नहीं जाएंगे नहीं नहीं जाना चाहिए स्वर्ग में ही रहेंगे मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में डॉक्टर के पोस्ट पे एज जब क्लास वन पोस्ट पे हूँ <laughs> बचपन में मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मेरे सामने उनको हार्ट अटैक आके गया था <laughs> तो मैं हमेशा पूछता था कि अरे मरने के बाद क्या होता है <laughs> और वो चीज़ें मुझे बहुत बहुत त्रास देती थी <laughs> उसका भी आंसर मिल गया पता नहीं लॉकडाउन के बाद मेरे दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि <laughs> सर्च करना है कि मुझे क्या पाना है लाइव डॉक्टर्स को कौन से डॉक्टर की जरूरत है ये इच्छा जगी <laughs> नहीं सर मन के डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है जैसे आपने बोला कि तोलू मन है और बाहर की जो माया है वो इतनी बड़ी माया है कि आप उसमें ही मुझे लगता है मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे मेरे लाइफ का लास्ट एम ही कभी पता नहीं चलता कि आप यहाँ किस लिए आए हैं आपने जो ज्ञान दिया है वो मैं आगे लाइफ में उसका यूज नहीं मैं तो उसका अखंड पालन करूँगा हाँ। और हमेशा इससे जुड़ा जुड़ता रहूंगा क्योंकि हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी रहती है कि लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती है यहाँ आए हुए मैंने बहुत से खुदी से जब बात की तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि आपको लाइफ को डिस्टर्ब करती है यहाँ आने के बाद मन को शांति मिली और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है कहीं नहीं है और मैं सोचता हूँ कि हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सबको खींच के यहाँ कंपल्सरी लाना चाहिए यस yes. उच्चतम विकसित समाज बनने के लिए चेतना कैसे बढ़ाई जाए तो ये श्रवण कितना आवश्यक हो जाएगा सुनने के बाद ही पता चलता है इसकी इतनी ज़रूरत है सुनने के पहले लगेगा हमें कहाँ ज़रूरत है हम तो ये हैं वो है हमने ये पढ़ाई की हम तो ये भी जानते वो भी जानते करने के बाद पता चलता है अरे ये तो सबसे पहले जानना है हर गवर्नमेंट के हो या ऑफिस के बॉस के जो भी सभी ने ये इससे गुजरना चाहिए तो वो सच्चाई देख पाएंगे सच्चाई देखेंगे तो जो प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य होगा वो सबको आनंद देगा बहुत सही है हाँ हा। सभी को शुभेच्छा हैप्पी हाँ सर श्री कहते हैं सत्य के सभी मार्गों की शुरुआत अलग अलग प्रकार से होती है लेकिन सभी के अंत में एक ही समझ प्राप्त होती है अतः समझ ही सब कुछ है और यह समझ अपने आप में पूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए इस समझ का श्रवण ही पर्याप्त है इसी समझ को उजागर कर दुख मुक्त भयमुक्त तनाव मुक्त और आनंदित जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर इस पाँच दिवसीय निवासी शिविर में रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद